बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे भर, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो इस नेक दुआ के साथ आज की व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। तो अभी शाम का टाइम हुआ है, असर की नमाज का टाइम जो है वो होने वाला है। तो अपने व्लॉग का हमने आगाज़ जो है कर दिया है। तो बाहर देखाते हैं आप सबको मौसम। ये देखें जी, चीले वगैरह अभी अभी आई हुई थी और थोड़ी देर पहले हम आप सबको चीलों का नज़ारा दिखाते, तो बहुत ही यानी कि अच्छा नज़ारा था। एक दूसरे पे वो लड़ रही थी, बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो अभी अभी थोड़ी देर के पहले हमने वो नज़ारा देखा, फिर तो वो चली गई। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। तो अभी अभी ज़ीशान भी पहुंच चुके हैं। तो अभी हमने सोचा नहीं है खाना वगैरह जो है आज क्या बनाएंगे, तो किचन में जाएंगे, जो भी हम चीज़ होगी बनाएंगे, आप सबको साथ साथ दिखाएँगे। अभी थोड़ी देर के बाद ना पहले नमाज असर की अदा करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो खाना वगैरह जो है वो शुरू करेंगे। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी, जिसको शदीद गर्मी कहते हैं वो थी। हवा बिल्कुल भी नहीं थी, बंद थी। तो अभी बारिशों का सिलसिला कह रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है, यानी कि कुछ दिनों के बाद ना बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि अभी जो है बादों का महीना चल रहा है, तो अभी बारिशें आ सकती हैं। क्योंकि एंड में पिछले साल एंड में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, उससे पिछले साल तो बहुत ज़्यादा थी, जब हम विलेज में थे बहुत ज़्यादा बारिशें आई थी। तो इस वक्त तो यानी कि पिछली काफ़ी सालों से इस बार ना कम बारिशें हुई हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि नहीं हुई, कम हुई हैं। तो ऊपर से आवाज़ें भी आ रही हैं, ऊपर से कोई काम वगैरह हो रहा होगा, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, और कुछ यानी कि स्कूल वगैरह खुल चुके हैं अभी। यानी कि गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, लेकिन स्कूल वगैरह भी खुल चुके हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं। और अभी यूनिवर्सिटी जो है एक माह के बाद ना वो भी खुल जाएगी, बच्चियों की हमारी जो हमारी बच्चियां जो है वो यूनिवर्सिटी में जाती हैं, तो वो भी खुल जाएगी। अभी ज़ीशान और वो तो उनके थीसिस जो है वो चल रहे हैं, अभी भी हो सकता है सर्दियों तक जारी रहें। तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, हम मक्खियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमें यहाँ से जान के पता किया है दवाई वगैरह वो नहीं हमें मिली। अब जाएंगे ज़ीशान से कहेंगे कि वो शहर सिटी में जाए, वहाँ से पता करें कि मक्खियों की दवाई जो है वो कहाँ मिलेगी, जो हम नीचे डाल दें ये ऊपर पड़ी रहें और फिर यही वहीं पे ही ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। हम सोचते थे कि विलेज में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी एक विलेज जैसा ही माहौल है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है बंद। यानी कि कुछ के यानी कि वो घर वगैरह होते हैं ना वो बंद होते हैं, तो कुछ के यानी कि वो तो अभी बस दाल जो है वो उबल रही है। ये देखें जी, अभी मैंने इसको उबालना जो है वो शुरू किया है। तो ये उबल जाएगी, फिर हम इसको इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसको बनाएंगे। अभी मसाला वगैरह जो है वो तैयार करते हैं। और मैंने बच्ची से कहा है कि वो मुझे आटा गूंथे, क्योंकि सुबह से बच्चे भूखे हैं। सुबह से हमने वो लिया था छोले, जो छोले भटूरे होते हैं वो हमने लिए थे थोड़े से, तो उसी से हमने नाश्ता किया था। फिर हमने आज कुछ भी नहीं बनाया। अरे वहाँ दोस्तों के साथ चले गए थे, तो अभी अभी लौटे हैं, तो अभी तो सब्ज़ी होती नहीं है। अब फिर हमने सोचा कि हम दाल वगैरह जो है वो बना लें, तो इसलिए हम आज जो है वो दाल बना रहे हैं, और मूँग और माछ की दाल बना रहे हैं। तो अभी मसाला वगैरह जो है मैं बनाती हूँ, और फिर इसको लगाएँगे तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक हैं। तो वीडियो जो है ना रात हम बना रहे थे तो अपलोड नहीं कर सके, उसकी वजह ये है कि लाइट जो है ना वो चली गई थी। तीन यानी कि लाइट ने जो है ना वो तीन झटके मारे हैं, उसके बाद जो है वो लाइट चली गई है। फिर तकरीबन जो है ना लाइट आई है वो तीन चार घंटे बाद, तो उस वक्त रात के 10 से 12 बज रहे थे, 10 से 12 के दरमियान का टाइम था, जिस वजह से जो है ना हमने आप वीडियो अपलोड नहीं कर सके, तो उसके लिए माजरत। तो बाकी जो है ना ये मैं अब नाश्ता डेली लेकर आता हूँ, क्योंकि अब पहले हम बनाते थे दोपहर को सालन, लेकिन अब सालन नहीं बनाते, ये सुबह का चन्नी यानी कि ले आते हैं ज़ीशान, अचार वगैरह के साथ होता है तो खा लेते हैं। और सब जो है काम में ज़ीशान भी चले जाते हैं, और एक बड़ी बच्ची भी चली जाती है, बाकी छोटियाँ हैं जो अभी एक महीना, उनका भी यानी यूनिवर्सिटी जो है खुलने वाली है। सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो इसलिए हम यही ले आते हैं सुबह का यानी कि नाश्ता। यहाँ का मशहूर है चने भटूरे, बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ। सुबह सब
जितने भी यानी कि विलेज के रहने वाले हैं, यहाँ के विलेज के यानी कि सिटी के रहने वाले हैं, वो यहाँ से ही चने वगैरह जो है वो लेते हैं। बहुत इनके मशहूर चने हैं, तो इनकी जो है ना पब्लिसिटी कभी मैं करूँगा, अगर उन्होंने मुझे एडवर्टाइजिंग के लिए कहा तो मैं मतलब कि मैं उनकी इंशाल्लाह करूँगा। बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत तरीके से, कुछ यानी कि ऐसे होते हैं कि अच्छे तरीके से नहीं बना सकते, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। और इनके ये देखें कि इनके यानी कि 8 बजे के करीब 9 बजे के करीब सब जो है वो बिक जाते हैं, फिर दोबारा जो है ये सुबह फिर दोबारा जो है वे शुरू करते हैं अपना यानी कि रोज़मर्रा की रूटीन, यानी कि काम वगैरह होता है। उसमें वो आमलेट वगैरह, अंडों का आमलेट हो गया, जो चीज़ उनके पास होती है वो यानी कि जो हस्ब चीज़ की ज़रूरत होती है उन सबको जो है ना वो डाल कर बनाते हैं। तो इनका ये अच्छा तरीका ये है कि ये जो है ना क्या करते हैं कि यानी मैं अगर 100 के लूँ तो वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 50-50 के कर देते हैं, इस हिसाब से यानी कि वो जो है ना करते हैं। और बहुत ही अच्छा इनका जो है ना माशाल्लाह से वो है, तो ये आप देख सकते हैं हमारे सामने। तो इनमें ना मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें जो है वो यूज़ की गई हैं, और सिरका वगैरह यूज़ करके ना वो इसे यानी वो करते हैं, इनको गालते हैं ताकि ये जो है ना यानी कि ये पक्के ना रह जाए और मुकम्मल तौर पर यानी गल जाए। माशाल्लाह इनका मशहूर है और काफ़ी यानी कि इनको सक्सेस भी मिली है इस बिज़नेस को स्टार्ट किए हुए, इनको तकरीबन को 14 से 15 साल हो गए हैं। तो अभी तक जो है इनका रवा दवा है बिज़नेस, और आगे भी हो सकता है कंटिन्यू रहे। तो ये उनके लिए हैप है कि वो जो है ना इतना यानी कि मेहनत करते हैं और अपना स्ट्रगल करके जो है ना उन्होंने मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, और अपनी यानी कि क्या कहते हैं पब्लिसिटी की हुई है पूरे भागलपुर में 1 यूनिट चौक के जो है ना वो मशहूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी जो है ना मैंने जाना है थोड़ा काम पे, इस वजह से नाश्ता लेकर आया था। तो बाकी जो है ना मुख्तलिफ यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है ना कब जा रहे हो पीछे विलेज, कब जा रहे हो, उनको शौक़ है बहुत ज़्यादा देखने का कि हमें जो है ना आपकी वीडियोस वो वाली पसंद थी। तो कुछ हालात भी ऐसे बने हैं कि हमें जो है ना यहाँ पे शहर में आना पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि 2 से 3 जगह ख़र्चा जो है ना वो करना बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है, इस वजह से जो है ना हमें आना पड़ा। ये देखें जी, ये है जी दही और साथ में अचार, तो इन्होंने मिक्स किया हुआ है, पता नहीं है, वैसे होना तो नहीं चाहिए लेकिन अम्मी जान ने ना मिक्स कर दिया। मैंने नहीं किया, उन्होंने खुद किया। तो उन्होंने खुद वो खुद कर देते हैं, मैंने उन्हें कहा था अलग डाला करें लेकिन वो खुद डाल देते हैं। अचार अलग डाला करें, अलग अलग डलवाया करें। हाँ, तो जिसकी मर्जी हो, अचार खाए, चटनी खाए, चने खाए, जो भी खाए ना। हाँ, उनकी हर किसी का वो हो सकता है अपना। तो बिस्मिल्लाह करके ना इसको खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है आपसे एक अच्छी वीडियो में। आखिर में आप सबके लिए यही दुआएं कि आप जहाँ रहें कुछ रहें आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह, दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक अच्छी वीडियो में, हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए, नेक तमन्नाएँ नेक दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।